Hey everyone, this is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. So as we were talking about the important questions of physiology, so this is the part two of the previous video. Okay, and this system we are going to oh sorry in this part we are going to talk about the bhi remaining apne systems but wo Okay, so let's get started. टॉकिंग अबाउट द सी वी एस इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो है ना वो कार्डियक साइकिल है कार्डियक uh, साइकिल में जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेज होते हैं एट्रियल डायस्टोल एंड वेंटिकुलर सिस्टोल एंड ऑल वो वो सारे फेजेज़ में सिर्फ पर्टिकुलर इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए कि उस फेज में एट्रियाज के साथ क्या होता है वेंट्रिकल्स के साथ क्या होता है कौन सी वाल्व ओपन रहती है और कौन सी क्लोज हो जाती है और हार्ट साउंड कौन सा प्रोड्यूस होता है एंड स्पेसिफिक कोई और चीज़ हो तो वो ठीक है Uh, ये कार्डियक साइकिल की मेरी जो खुद की नोट्स हैं मैंने उसमें टेबल uh, फॉर्म में सारे जो फेजेस है उसको डिफ्रेंशिएट करके एकदम इन वन पेज ओनली पूरा का पूरा जो कार्डियक साइकिल है उसको कवर किया है सो इफ यू वॉन्ट टू बाय देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द लिंक्स विच आर गिवेन बिलो ओके प्रोसीडिंग, वी हैव कार्डियक आउटपुट तो कार्डियक आउटपुट में डिफाइन है कार्डियक रिजर्व है व्हाट आर द वेरिएशन फैक्टर्स मेंटेनिंग द कार्डियक आउटपुट ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है ईसीजी की बात करें तो ईसीजी में जो बेसिक चीजें लाइक सिर्फ उसका डिफाइन और जो डिफरेंट लीड्स यूज होती है वो ओके देन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्ट साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट वन इसको हमें नहीं छोड़ना है देन कार्डियक मरमर है एरिदमिया एज ए मतलब क्वेश्चन तो जल्दी नहीं पूछा जाता है बाकी इसमें जो डिफरेंट टाइप्स है उसका जो डेफिनेशन उसका मीनिंग वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ओके हार्ट रेट का रेगुलेशन खासकर वो इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर अगर पूछा जाए तो वॉट यू हैव टू राइट इज उसका डिफाइन नॉर्मल वैल्यू वेरिएशन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट और खासकर रेगुलेशन रेगुलेशन को ज़रा भी नहीं भूलना है एंड देन वी हैव आर्टीरियल पल्स ओके नाव विल टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम फर्स्ट ये सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक समरी पेज बना लेना कि कौन सा हॉर्मोन कौन सा ऑर्गन सिक्रिएट करता है लाइक like कौन सा ग्लैंड क्या हॉर्मोन सिक्रिएट करता है एंड uh, uh, कुछ uh, एक्सेप्शंस ऐसे हैं कुछ ऑर्गन ऐसे सॉरी कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं कि जिनका स्टिम्यूलेशन कोई और ऑर्गन देता है और जो सिक्रीट कहीं और से होता है और जिसका एक्शन किसी और जगह पे होता है मतलब सब चीज़ें एकदम अलग अलग लोकेशन से होती है सो so, वो चीज़ को एकदम ध्यान रखना है ओके देन फर्स्ट हम पिच्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये फिफ्टीन मार्क्स में सबसे अच्छा पूछे जाना वाला क्वेश्चन यही है कि वॉट इज सॉरी डिस्क्राइब द एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी और उसके साथ मोस्टली ग्रोथ हॉर्मोन पूछा जाता है ठीक है फिर टीएसएच जी टी एच तो है okay. एक्शन मतलब है खास कर वो चीज ध्यान रखनी है ओके okay. सब तो शॉर्ट नोट के लिए है. फिर वी हैव थायरोयड ग्लैंड ओके तो थायरॉइड ग्लैंड भी एक इंपॉर्टेंट बड़ा फिफ्टीन मार्क का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड ओके एंड देन थाड हार्मोन्स तो वॉट यू नीड टू डिस्क्राइब इन थान इंट्रोडक्शन सिंथिस स्टोरेज रिलीज फंक्शंस खासकर फंक्शंस सारे हॉर्मोन्स में फंक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ भी भूल जाओ चलेगा बट बट फंक्शंस को नहीं भूलना है ओके मोड ऑफ एक्शन एंड रेगुलेशन देन वी हैव पैराथायरॉयड हॉर्मोन दैट इज पी टी एच एन कैल्सिटोनिन अब जो पैराथॉर्मोन है ना उसके एक्शन में विटामिन डी का एक्टिवेशन वाला एक छोटा सा चार्ट है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ठीक है उसको ध्यान रख लेना मतलब कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना ठीक है एंड चाहिए जो हॉर्मोन्स है ना उनका जो फंक्शन है उसको रिलेट करता करते आना चाहिए जैसे कि पेनक्रियाज में है तो ग्लूकोज का बैलेंस बनता है राइट इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन सॉरी इंसुलिन एंड ग्लूकागोन इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकागोन क्या करेगा ग्लूकोज को बढ़ाता है सो तो दोनों बैलेंस कर देते हैं ठीक है लाइकवाइज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें होती है जीएच होता है पीटीएच होता है कैल्सिटोन इन शॉर्ट मतलब बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ठीक है सारे फंक्शंस को रिलेट करने आना चाहिए नेक्स्ट इज द पेनक्रियाज एज आई सेड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ठीक है इट्स ऑल्सो आज इज अ क्वेश्चन नाउ एड्रीनल में सबसे पहले तो ऐसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड फिर उसके बाद मेड्यूला का जो हॉर्मोन्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है ठीक है तो उसमें क्या क्या आता है टाकोलेमाइन है एड्रन नॉर एड्रलिन का फंक्शन है ठीक है फिर आता है कॉर्टेक्स तो कॉर्टेक्स में वी हैव मिनरलो कार्टिकॉयड ग्लूको कार्टिकॉयड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड ठीक है ओके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही वाइड और मतलब बहुत ही वेरिएड एक सिस्टम है जिसमें जो ट्रैक्स है ना दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट ठीक है तो सबसे बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिस इज स्टिल इंपॉर्टेंट ओके प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट डी इज ऑल्सो आज डिज अ क्वेश्चन एंड देन स्नैप्स इन दिस वॉट यू हैव टू राइट इज उसका डिफाइन है उसका क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर है फंक्शन एज यूजल इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉपर्टीज ओके देन वी हैव रिफ्लेक्सेस ये मेरे टाइम uh, पर जो है ना ट्वेंटी मार्क्स में आई मीन फुल मार्क क्वेश्चन पूछा था फिफ्टीन मार्कर में सो वॉट यू नीड टू डू इज़ उसका डिफाइन लिखना है उसका जो डिफरेंट क्लासीफिकेशन है वो एंड उसकी प्रॉपर्टीज ठीक है देन आता है स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक्स ट्रैक्स की बात करें ना तो सारे ट्रैक्स आने चाहिए बट जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है सबसे पहला तो स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक्ट अब उसमें दो आते हैं एंटीरियर एंड लेटरल एंटीरियर को ही हम वेंट्रल बोलते हैं और लेटरल को हम डोर्सल बोलते हैं तो कंपेरिटिवली ना इंटीरियर ज्यादा पूछा गया इंटीरियर स्पाइनोथेलेमिक ट्रैक्ट ओके देन वी हैव द गोल्डन बर्डेक का ट्रैक्ट उसको बहुत सारे अलग अलग नामों से पूछा जाता है असेंडिंग पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट फेसिक्यूलस ग्रैसेलिस क्यूनिएटस डोर्सल कॉलम पाथवे या मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे एंड एक और ट्रैक्ट दैट इज द ट्रैक्ट नाउ वी मीन बाज फ्रैक्स नीड टू नो कि इस जो ट्रैक्ट में कहाँ से सेंसेशन आती है और कौन सी सेंसेशन आती है लाइक पेरामिडल ट्रैक्ट है तो वॉलंट्री मूवमेंट्स के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है तो वो वॉलेंट्री और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स के लिए है मसल टोन के लिए है राइट तो जैसे पिरामिडल ट्रैक्ट है उसको फ्लिप करके क्वेश्चन पूछना हो तो दे के आस्की डिस्क्राइब अबाउट द ट्रैक्ट दैट इज रिस्पॉसिबल फॉर वॉलंट्री मूवमेंट्स तो यू नीड टू नो कि भाई इसमें हमें पिरामिडल ट्रैक्ट के बारे में डिस्क्राइब uh, करना है ठीक है so सो इसीलिए मैंने कहा फंक्शन ऑफ ऑल द ट्रैक्स यू नीड टू नो ओके नेक्स्ट इज द कम्पलीट ट्रांसक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट इज हेमी सेक्शन या फिर ब्राउन सिपबर्थ सिंड्रोम एंड फिर आता है अपर मोटर न्यूरोन एंड लोअर मोटर न्यूरोन विच आर द लीज एंड दोनों में डिफरेंसेज क्या है देन फिजियोलॉजी ऑफ पेन समाइम्स इट इज आस्क दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बट इन केस अगर पूछा जाए तो देन आता है स्लीप तो स्लीप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आर एम रैपिड आई एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला दैट इज इंपॉर्टेंट हाइपोथेलिमिस में फंक्शंस आर मच मोर इम्पॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया एग्जाम uh, में थैलिमिस का भी सेम फंक्शन है हाइपोथेलिमिस जैसा देन सी एस एफ में यू नीड टू राइट डिफाइन कंपोजिशन प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन सर्क्यूलेशन एंड एब्जॉर्ब फंक्शन ठीक है इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल हीयर देन प्लीज़ कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो गिव थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो योर व्यूज़ ऑन इट एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट वरी द वीडियो इज येट नॉट कंप्लीटेड ओके अभी आगे एक सिस्टम बाकी है आई नो एंड वन मोर थिंग की अगर नोट्स परचेज करनी है फर्स्ट ईयर वालों को फॉर माई जूनियर्स जो 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 जीन सब्जेक्ट्स हैं एनाटोमी फिजियोलॉजी और फार्मेसी तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो यू कैन डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम और दॉ

फैक्ट्री पाथवे ऑडिटरी पाथवे और टेस्ट पाथवे ये सारी पाथवेज इक्वली इंपॉर्टेंट है बट विजुअल पाथवे को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही मज़ा आएगा इसमें जो अपलाइड पार्ट है ना दैट इज़ वेरी 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 मच इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ा आएगा ठीक है सो so ये सारे पाथवेज अच्छे से करना ओके देन ईयर की बात करें तो ऑर्गेन ऑफ कॉट ही स्पेसिफिक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है देन रोल ऑफ मिडल एंड इनर ईयर इन दियरिंग मैकेनिज्म सॉरी मैकेनिज्म ओके टेस्ट पाथवे तो मैंने कह दिया फील्ड ऑफ विजन शॉर्ट नोट ऑडिटरी डिफेक्ट्स आल्सो शॉर्ट नोट एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो शॉर्ट नोट एंड एज आई सेड ऑडिटरी पाथवे एंड ऑल फैक्ट्री पाथवे सो हियर अपना वीडियो कंप्लीट होता है एंड अगेन आई से प्लीज़ अगर वीडियो देख के लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 गिव अ थम्स अप सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड अपना व्यूज़ थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दो कि काम का आ रहा है नहीं आ रहा है सारी एग्जाम्स कैसी जा रही है ओके okay? एंड uh, फिर से नोट्स अगर परचेज करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी And yeah, thank you for watching.